मेरा नाम तो दुलड़ मरांडी है। मेरा नाम रंजिता मणिपुर का। हम तो पहले फुटबॉल खेलने शुरू किए हैं, जो छोटा से जो लड़का लोग के साथ प्रैक्टिस करते थे, या फिर अपना हजारीबाग सेंटर में हम रहते थे, वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर से कोच के अंदर में रहे। फिर इधर नेशनल सब होता था तो उसी सब में फिर सिलेक्शन होने लगा, तो फिर अच्छा से खेले। फिर बाहर का टीम देखते थे हम, अच्छा से गेम खेलती थी तो हम भी सोचते थे हम भी अच्छा से खेले वो लोग जैसा, और फिर हम सोचते थे और आगे गेम अच्छा से बनाए, और फिर अपना एज बनाए तो अपना लाइफ बनाए, कोई हमको भी पहचाने ऐसे ही आगे। और सोचता मेरा घर में कोई सपोर्ट तो बहुत देते थे लेकिन पैसा नहीं होता था। इसके बाद हम कोशिश किए हम पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे और घर का सपोर्ट दे सकेंगे। शुरू में मैं जब स्कूल में थे हम लोग एक दो स्कूल मिलके एक कोचिंग में था, तो एक अचानक से एक टीचर ने मतलब स्कूल की पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, ग्रास रूट खेलने के लिए। हमारा उधर भी एक सीनियर लोग होता है फुटबॉल के, वो लोग ने हमको पूछा फुटबॉल खेलना चाहते हो? हाँ खेलना चाहती हूँ ऐसे बोल के वो लोग मिल के हम मतलब स्कूल से हम लोग 20 लोग उठाया था खेलने के लिए। उस टाइम से शुरू हुआ था ग्रास रूट से। वो बात ना मेरे पापा को बताया, ऐसे ऐसे बोले फुटबॉल खेलने के लिए बोला, खेलूँ क्या ऐसे? मेरे पापा ने बोला फुटबॉल खेलना चाहती हो? हाँ खेलना चाहती हो, चाहती हूँ। और उसने बोला खेलना चाहती हो तो खेलो, हमें फुल सपोर्ट करने का। उसी से स्टार्ट किया है। उस टाइम पहले हम ना ऐसे स्टेट में ही खेलते रहते हैं, जॉब करने का भी नहीं सोचता है दिमाग में, सिर्फ खेलते रहना है। और मेरा पापा ने एक जॉब करने से और अच्छा रहेगा सोच के इसके दिमाग में जॉब करना करवाना चाहते हैं हमको। हम तो उस टाइम नॉलेज में भी नहीं है जॉब करना है, जॉब करके ही खेलना है, हम तो ऐसे ही खेलते रहेगा इसी दिमाग में चलते थे। तो एक पापा ने SSB का एक वैकेंसी निकाला था, एक उसने फॉर्म पूरा भर के, उस टाइम हम एक खेलने के लिए गेम में थे, घर में भी नहीं था, तो मेरा पापा ने फॉर्म सब फिलअप करके लेके आ गया था, मेरा गेम में आ गया था सिर्फ साइन करने के लिए। सिर्फ मैंने साइन करके दे दिया, फिर मेरे पापा और मेरा दीदी ने ही सब कुछ किया है SSB में आने के लिए। तो सिर्फ मैंने साइन करके फिर सेलेक्ट हो गया था SSB में। और मेरा अभी मेरा पापा तो नहीं रहे, सब मेरा पापा की क्रेडिट है, मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ मेरा पापा के लिए। उसको उसने क्या बनवाना चाहते हैं हमको और कहाँ तक लाना है सब, उस वो नहीं होने से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैं तो पहले सोचते थे वो जो पैसा नहीं होता था, तो एक बार हमको बोलती मत खेलने के लिए, मम्मी लोग तो हमको बोले थे मत खेलने के लिए, अगर खेलने के लिए तो पैसा नहीं होता था तो कहाँ से खेलेंगे। तो एक मेरा मौसी है, तो मेरा मौसी बोली हम दे देंगे तुमको जितना ज़रूरत है, जहाँ तक खेलना चाहती है तो खेल लो। तो हम बोले चलो, हमको इतना सपोर्ट मिल रहा है, मेरा मौसी खुद अपने माँ जैसा सपोर्ट दी, तो हम उसके से इतना तक आगे बढ़े। फिर हमको हॉस्टल में फिर बोले ठीक है, तो कहाँ हॉस्टल मौका मिल रहा है तुमको रहने के लिए, खेलने के लिए, तो वहाँ रहो और खेलो। तो फिर हम लोग का एक मैडम है, तो वो बोली SSB का फॉर्म भरा है, चलो हम भर के तुमको वही डाल देते हैं, एज तो हो गया है। तो फिर हम वो मैडम सब चीज़ भर के फिर बोले डाल के आना, क्योंकि हमको सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो हम अपना मैडम खुश हुए, मतलब मेरा बच्ची वो नौकरी मिल गया। तो मेरा घर वाला लोग तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे, मतलब इतना छोटा एज में कैसे हो गया नौकरी, सब गांव वाला लोग भी बोल रहा है इतना छोटा एज में कैसे नौकरी हो गया था, ऐसे झूठ बोल के जा रही है। तो बाद में जो मीडिया फिर हमको
को गया मेरा घर तो हम बताए, तो फिर सबको गांव वाला भी खुश हो गया और सब गांव वाला भी हमको सपोर्ट करता था, जो ये बच्ची इतना गरीब है घर से, तो ये बच्चा आगे बढ़े। तो अभी भी हम छुट्टी जाते हैं तो हमसे स्वप्न, हमको उन लोग का घर जाना चाहिए मिलने के लिए, लेकिन खुद उन लोग आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए। जब हमने फुटबॉल खेलना शुरू हुआ था उस टाइम ज़्यादा मतलब पड़ोसी का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मेरा फैमिली था। तो पड़ोसी मतलब कोई कोई बोलता है क्या करेगा फुटबॉल खेलेगा, उतना नहीं पर तक नहीं पहुंच पाएगा लड़की हो के, मतलब ऐसे कोई भी बोलता है, कोई कोई भी सपोर्ट करता है। जब मैं फुटबॉल अभी तक मतलब फुटबॉल खेलने के बाद जब जॉब मिल गया और अच्छा अच्छा जो नाम भी लिया, तो सब सोचने लगे ओ फुटबॉल खेल के सब मिल रहा है तो हमारा बच्चे लोग भी खेलना शुरू करते हैं, ऐसे बोल के लड़की लोग भी शुरू कर दिया और फुटबॉल में खेलना। और हमको पूछने आता है कैसे कैसे खेलना है, कहाँ पे खेलना है और कैसे करके खेलना है, सब पूछने के लिए आता है। और आ गया था मतलब लड़की लोग खेलने के लिए हमको, मतलब बाहर से कुछ भी कोई भी बोल देता है तो मतलब मन में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक हम ग्राउंड जाते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं जो ग्राउंड का फुटबॉल को देख के, मेरा ऐसे लगता है मेरा फुटबॉल ही लाइफ पे है, उससे कोई नहीं है, हमको बहुत खुश लगता है। सबसे ज़्यादा हमको फुटबॉल से बहुत प्यारा है, इसीलिए हमको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम ग्राउंड में आएंगे तो मेरा मन मतलब बाहर का ध्यान हम सब भूल जाते हैं, दुख तकलीफ जो भी हुआ उस सब को हम सब भूल जाते हैं, लेकिन मन तो बहुत फुटबॉल में है लग जाता है। फ्रेंडली मैच में एक बार खेल चुकी हूँ इंडिया टीम में, उस टाइम थोड़ा इंजरी था मैं इसलिए आउट हो गया, फिर दोबारा जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ और अच्छा परफॉर्मेंस देके इंडिया टीम में जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हम भी जितना गोल हुआ है हैट्रिक तो मारे है, लेकिन हमको इतना खुश नहीं है, लेकिन उसे और अच्छा करना है और आगे खेलने के लिए हम भी सोचते हैं, हमको भी मौका मिले इंडिया खेलने के लिए, हम तो अभी खेले भी नहीं है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और हर मैच में हमको हैट्रिक मारे फिर भी गोल मारे। एक तो एक स्ट्राइकर है हम, तो एक गेम का ये है हम लीडर है, हम गोल नहीं मारेंगे तो पूरा टीम का ये हो जाएगा, खुद को नहीं मार रहे फिर दूसरा ये के लिए और टीम भी डाउन हो जाएगा। अगर आगे गोल मारने के लिए तो अपना मेहनत करना पड़ेगा, बॉल लेना है, बॉल खेलना है, किसी को बात करके खेलना है, एक दूसरे को ले दे के खेलना है, आगे आगे देखना भी है पीछे बॉल कैसे है, गोल पोस्ट कहाँ है, अपने ई में लगाना है, दिमाग लगाना है, मतलब गोल करना है तो गोल करना है, जीत के जाना है तो जीत के जाना है, वही आगे कोशिश और खेलने के लिए तो सब मन है इंडिया में खेलने के लिए, सब खेलती है तो हमको भी उन लोग को देख के थोड़ा सा ये लगता है हमको भी मौका मिलेगा तो खेलने।